जय हिंद देशवासियों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जो जो साथी फेसबुक से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आज आप वीडियो को अच्छे से सुने और शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि आज मेरी जिंदगी और मौत जो दांव पे लगा दी है बीजेपी ने। सभी को जय हिंद। जी जय हिंद, सभी भाइयों को जय हिंद। मेरा अनुरोध है कि हर भाई आज इस वीडियो को, आज तक जो आपने मेरा सहयोग किया जिस प्रकार से, आज भी मेरा उसी प्रकार सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि आज आप देख रहे हो, दो दिन से मैं भी देख रहा हूँ, टीवी चैनलों पे चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है आपको पता ही होगा, 2 साल पहले के कुछ एक वीडियो एडिटिंग कर करके झूठे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और मेरे ऊपर झूठे मुकदमे और इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं आपके सभी के माध्यम से, यहाँ पर न्यूज़ चैनल बहुत से आए, मेरे से बाइट ले गए, न्यूज़ चैनल सब ले गए, लेकिन कोई भी न्यूज़ चैनल दिखा नहीं रहा, क्योंकि सारे के सारे बीजेपी इतनी एक्टिव हो गई है। आप सब अच्छी तरह जानते हो कि किस प्रकार से धोखाधड़ी करके और कानून की धज्जियाँ उड़ा के मेरा पर्चा निरस्त करवाया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कसम खाई कि मैं मरार की धरती पर ही रहकर मोदी जी खिलाफ़ चुनाव प्रचार करूँगा, पूरे पूर्वांचल में करूँगा। और जब 3-4 दिन के कैंपन के अंदर बीजेपी को लगा कि हम पूर्वांचल से हार रहे हैं, तो उन्होंने मेरे खिलाफ़ नई साजिश रची। और जैसे ही मैं कल सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद ताबड़तोड़ मेरे खिलाफ़ मीडिया पे चलवाया जा रहा है, बहुत सी चीज़ें चलवाई जा रही हैं। मैं आप सभी के सामने आने का मकसद क्या है कि अब बहुत जल्द मेरे और मेरे परिवार की बीजेपी की तरफ से हत्या कराई जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत बार पहले भी धमकियां मिली थी। और जो ये 50 करोड़ का मामला था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीजेपी के लोगों ने मुझे 50 करोड़ में खरीदने की कोशिश की थी, वही 50 करोड़ जो मेरे मुँह से है, उसको एडिटिंग करके और अलग तरीके से जोड़ा हुआ है। आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, मैं ये साफ तौर पे कह रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं देश से गद्दारी ना किया है ना करूँगा, मरते दम तक नहीं करूँ, लेकिन इन गद्दारों से लड़ता रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि मोदी जी, एक छोटे से गरीब और किसान के परिवार के बच्चे के इतने पीछे आप क्यों पड़े हैं, आपको इतना खतरा क्यों है? मुझे चाहे आप मरवा दें, क्योंकि आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं, पता है मुझे मरवा सकते हो, चाहे मरवा दें, चाहे मुझे किसी भी जेल में डाल दें, लेकिन जब तक जिंदा हूँ मैं आपकी बीजेपी की पार्टी के खिलाफ एक एक सबूत, एक एक चीज़ आपको जो है बोलता रहूँगा, क्योंकि आपने देश को बर्बाद कर दिया, आपने देश को तबाह कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे आप मेरी हत्या करा दें, कभी भी करा दें, मुझे कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की बदौलत मेरा बच्चा मर गया, मेरे पास है ही क्या। आप चाहे मेरी पत्नी को जो धमकियाँ दे रहे हो, चाहे आप गोली मरवा दो, मेरे माँ बाप को मरवा दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब तक मेरी सांस है, मैं आज़ाद हिंद फौज के परिवार से हूँ, जिनको इतने बड़े बड़े सम्मान मिले हुए हैं, उस परिवार का खून हूँ, मैं आपसे डर के पीछे नहीं भागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी, जब तक मेरी सांस है मैं लड़ता रहूँगा। जितने भी मेरे फेसबुक में साथी भाई जो जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि मेरा ये वीडियो हर जगह शेयर जरूर करो, ताकि बीजेपी को पता लग जाए, क्योंकि आज मीडिया चैनल मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और बार बार मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। और बहुत जल्द, अब तक तो मैं बनारस तक ही सीमित था, अब बहुत जल्द बिहार, हरियाणा, सब जगह मैं आपके खिलाफ चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के साथ मिलकर अभी चुनाव प्रचार में जाऊंगा। देखता हूं आप में कितनी ताकत है, आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए मुझे, क्योंकि मैं भी एक आज़ाद हिंद का खून हूँ, ईश्वर सिंह आज़ाद का खून हूँ, और मैं भी अपने नाम के सामने आज़ाद लिखता हूँ। तेज बहादुर आज़ादी था, आज़ाद है और आज़ादी रहेगा, और मरने के बाद भी आज़ादी रहेगा। तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। सभी दोस्तों से यही मेरा अनुरोध है कि चाहे अगर भी मेरी हत्या होती है, तो इसकी सीधे सीधे जिम्मेदार बीजेपी है, पूरे देशवासियों से मैं आज कह रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर इतनी साजिशें रची जा रही हैं, और 3 दिन के अंदर अंदर मैं आज, मुझे हफ्ते भर के अंदर किसी भी तरीके से मार दिया जाएगा। आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए, आज मैं आप सभी लोगों के भरोसे, ये नहीं चाहते, ये कोई नहीं चाहेंगे, यही नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि तेज बहादुर जैसा एक गरीब किसान मजदूर का बेटा इनके सामने खड़ा हो, ये नहीं चाहते कभी।
आज तक आपने देखा होगा ये सामंतवादी ताकतें जो भी गरीब दलित मजदूर का बेटा जब भी इनके सामने खाने की कोशिश किया इन्होंने उसे हत्या कराई है, उनको अलग चेसीज में फंसाया गया। आज तक का इतिहास रहा, आज भी यही हो रहा है मेरे साथ में। ये सामंतवादी ताकतों को मैं चैलेंज करता हूँ कि आज देश की 90% पब्लिक गरीब दलित मजदूर ओबीसी सब आज मेरे साथ खड़ा हुआ है। आप जो करना चाहिए कर ले, अगर दी तुम एक तेज बहादुर को मारोगे तो करोड़ों तेज बहादुर आपके सामने खड़े होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान। लेकिन वीडियो को हर जगह शेयर जरूर करें और आप मेरा सहयोग करें। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके